बड़ी खबर, स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया है एनडीए ने और विपक्ष ने भी, साथ ही के सुरेश ने नामांकन भरा के एनडीए की तरफ से भी थोड़ी ही देर में ऐलान कर दिया जाएगा और थोड़ी ही देर में नामांकन भरा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर पद के लिए विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार उतार दिया गया है, के सुरेश ने नामांकन भर दिया है स्पीकर पद को लेकर, ये बड़ी खबर। तो 12 बजे के आसपास बताया जा रहा था कि 12 बजे नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। कल अपने उम्मीदवार का चुनाव किया गया था एनडीए की तरफ से और आज नामांकन भरा जाएगा स्पीकर पद को लेकर, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन होंगे ये तय किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले अभी उम्मीदवार ने नामांकन भर दिया है के सुरेश, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर से भी ये जानकारी थोड़ी ही देर पहले दी गई थी और अब इसी कड़ी में विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विनीत इस पर ज्यादा जानकारी देंगे विस्तार से, विनीत बताइए विस्तार से पूरी खबर। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है वो विपक्ष के पार्टी के तौर पर राज्यसभा में विपक्षी पार्टी के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन जो है वो उम्मीदवारी के लिए नामांकन जो है वो भर लिया है, जिस तरह से हम तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का नामांकन कर दिया है स्पीकर पद के लिए, नामांकन भर दिया है के सुरेश ने और थोड़ी ही देर में ये तय हो जाएगा। हमारे साथ विनीत लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विनीत, आप जानकारी दे रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है। अब के सुरेश को जो है वो स्पीकर पद के तौर पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है। साफ तौर पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो मांग रही थी और इसको लेकर के इसी कारण जो है वो सहमति नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं हमने राहुल गांधी का बयान सुना, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो चाहिए। तो विनीत की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला जो कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। 2019 में भी ओम बिरला स्पीकर रह चुके हैं और इसके बाद में दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं के सुरेश की, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को उतारा गया है। लेकिन देखिए, इससे पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया था, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है जो सूत्रों के हवाले से है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिल सकता है और स्पीकर ओम बिरला जिनका बहुमत अगर देखें संसद में तो एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में है और ऐसे में ज़्यादा वोट जिसके पक्ष में पड़ते हैं वही स्पीकर होता है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा गया है के सुरेश को। और अब कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कल ही वोट डाले जाएंगे और ऐसे में आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इंडिया के जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं के सुरेश वो भी पहुंचे और साथ ही ओम बिरला की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की चर्चा हुई थी जिस पर सहमति बनी है और विनीत हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनीत, इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिल सकता है और स्पीकर का जो पद है वो एनडीए खुद अपने पास रखेगी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी कैंडिडेट उतार दिया गया है, इसके क्या मायने? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे थे कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन तभी करेंगे जिस जब उन्हें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो मिले। इसको लेकर के जो सहमति जो है वो नहीं बन पाई और ऐसे में आखिरी वक्त में विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है। के सुरेश जो है वो कांग्रेस के लोकसभा पद के उम्मीदवार में होंगे, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सहमति बनाए जाने की जो कोशिश की जा रही थी कब
कवायद की जा रही थी वह सहमति जो है वो नहीं बन पाई है, और ऐसे में अब कल लोकसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर के चुनाव होगा, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार जो है वो उनके अगर हम बात करें तो उनका जो आंकड़ा है वो काफी बहुमत से अधिक है। ऐसे में चुनाव जो है महज औपचारिकता ही बात रह जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी अपना सांकेतिक जिस तरह से विरोध कह सकते हैं या फिर सांकेतिक चुनाव की बात अगर हम कहें तो विपक्ष ने भी कही है कि निर्विरोध जो है वो नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उपाध्यक्ष का पद जो है वो मांगा गया था और उससे नहीं पूरा किया गया, इसी कारण जो है वो उन्होंने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है। इससे पहले की घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्हें फोन किया था, अपने उम्मीदवार के पक्ष में सहमति व्यक्त की थी और कहीं ना कहीं समर्थन मांगा था। हालांकि जो समर्थन कांग्रेस की ओर से दिया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि सशर्त समर्थन होगा, जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो मांगा था। हमारी जो एनडीए के नेताओं से बात हुई या जो हमें एनडीए के जो हाई सोर्सेस नेताओं से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि सशर्त समर्थन जो है वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो अगर डिप्टी स्पीकर की बात हो तो उसको बाद में देखा जाए, उसको लेकर के नाम जो है वो बाद में चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के अड़ी रही कि जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो उन्हें ही दिया जाए, और इसी कारण जो आम सहमति बनाए जाने की बात हो रही थी वो आम सहमति नहीं बन पाई। और जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि चुनाव की समय जो है नामांकन का वो खत्म हो गया है, 12 बजे तक ही नामांकन किया जाना था और ऐसे में कांग्रेस की ओर से के सुरेश को जो है वो उतारा गया है। तो अब जो है अब चुनाव होगा, माना यह जा रहा है कि कल जो है जो निर्धारित तिथि है कल जो है वो चुनाव होगा, लोकसभा के जो सभी सांसद जो है वो वोट करेंगे। लेकिन अगर हम प्री पोल अलायंस एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए के गठबंधन के पास जो है आंकड़ा जो है जो जरूरी आंकड़े 272 का चाहिए उससे अधिक जो है वो आंकड़े हैं। इसके साथ ही साथ कुछ निर्दलीय विधायक सांसद जो है उनका भी समर्थन का दावा जो है वो एनडीए की ओर से किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आंकड़े जो है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं उम्मीदवार उतार करके सांकेतिक विरोध की जो बात है वो की गई है। जो विपक्षी नेता है उनकी ओर से लगातार यह कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें विपक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो नहीं दिया गया, इसीलिए जो है वो अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। जैसा कि हमने राहुल गांधी का भी सुना, राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा था कि वो सशर्त समर्थन की वो बात कर रहे थे। राहुल गांधी के बयान की अगर हम मायने निकाले तो वो सशर्त समर्थन की बात कर रहे थे और इसी कारण जो है वो सहमति नहीं बन पाई, और ऐसे में विपक्षी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है वो के सुरेश के तौर पर उतारा है। लेकिन विनीत आप ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि इतिहास में पहली बार स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि अक्सर आपसी सहमति से ही ये निर्धारित हो जाता है। अब ऐसे में अगर संसद के गणित को समझ लिया जाए तो एनडीए एक मजबूत स्थिति में है, तो क्या ओम बिरला के लिए काफी ज्यादा आसान रहने वाला है या फिर कुछ चुनौती होंगी जिसका सामना करना पड़ सकता है? हाँ जी, अगर हम चुनौती के बारे में बात करें तो चुनौती में कोई चुनौती नहीं है ओम बिरला के लिए, क्योंकि नंबर्स जो है वो नंबर्स एनडीए के पक्ष में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के नेता हो या एनडीए के नेता हो, तमाम नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका जो अलायंस भी है वो प्री पोल अलायंस है, काफी मजबूत अलायंस है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ निर्दलीय जो सांसद हैं उनके समर्थन की बात भी जो है वो और या फिर उनका दावा जो है वो एनडीए की ओर से लगातार किया जा रहा, तो साफ तौर पर वह एनडीए के उम्मीदवार को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष का, जिस तरह का पद होता है वो किसी भी दलीय राजनीति से ऊपर का पद होता है, और इसीलिए सरकार की ओर से एनडीए की ओर से लगातार कोशिश जो है वो की गई थी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को उतारा गया था क्योंकि उनकी काफी सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, अक्रॉस पार्टी उनकी बात की जो उनकी बात को जो अक्रॉस पार्टी सुना जाता है। इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं किरण रिजिजू, उन्हें भी यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से बात की। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया था, जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांगा है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो आम सहमति की बात जो आ रही थी वो टूट गई है, और ऐसे में विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है, के सुरेश के तौर पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। अगर आंकड़ों के बारे में बात करें तो सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्या दोनों ही दल की तरफ से अब अपने अपने कैंडिडेट उतारे जाएंगे?
जी निश्चित तौर पर अगर इस तरह से हम देखें, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें कि स्पीकर को पोस्ट के पद को लेकर के कांग्रेस की ओर से समर्थन नहीं आया है, हालांकि सत्ताधारी गठबंधन की ओर से कोशिश की गई थी, कवायद यह की गई थी, राजनाथ सिंह ने फोन किया था, राहुल गांधी ने भी इस बात को रखा था, लेकिन जिस तरह से सशर्त समर्थन देने की बात की गई थी, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो मांगा गया था, अब ऐसे में यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार क्या एनडीए गठबंधन जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो देगी। अगर हम पिछले 17वीं लोकसभा की बात करें तो एनडीए ने या फिर 17वीं लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, ऐसे में हालांकि अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं टीडीपी की ओर से दावा जो है वो किया जा रहा था, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें राज्यसभा की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट जो है वो जेडीयू के पास है, ऐसे में टीडीपी की ओर से डिप्टी चेयर स्पीकर का पोस्ट जो है वो मांगा जा रहा था। और अब जब हम यह देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने सशर्त समर्थन दिया है देने की बात जो है वो की थी, और जिसे एनडीए गठबंधन की ओर से नहीं माना गया, अब ऐसे में यह मानना यह जो है यह देखना काफी दिलचस्प होगा क्या डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो विपक्ष को देती है, लेकिन इसकी संभावना जो है वो अब कम नजर आती है, क्योंकि कि स्पीकर पोस्ट को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन जो है वो नहीं जाहिर किया है। ऐसे में अब यह हम अनुमान कर सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वह भी एनडीए अपने पास ही रखेगी, हो सकता है अपने किसी सहयोगी को दे दे, जिसमें टीडीपी का नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और रेस में सबसे आगे जो है वो टीडीपी ही है। जी तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए उम्मीदवार हैं ओम बिरला, हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा गया है और विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा स्पीकर के लिए तकरार बरकरार के, और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार कौन लोकसभा स्पीकर बनेगा। हालांकि ओम बिरला का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है एनडीए की ओर से, और बहुमत के हिसाब से ओम बिरला ही काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं।